सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्केच करेंगे हैरी पॉटर का फेस। ओके, सो फर्स्ट हम आई स्केच शुरू करते हैं। मैंने इसका ट्यूटोरियल ड्रॉ कर रखा है, अब मैं इसको आपके सामने स्केच कर दिखाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट हम पहले आईज़ की आउटलाइनिंग करेंगे, फिर उसके आईबॉल्स में स्केच करेंगे। अब हम नीचे के लाइंस को स्केच कर देंगे जो रिंकल जैसे डोनेट होते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा स्केच कर देंगे, थोड़ा सा डार्क। फिर हम चश्मे की आउटलाइन कर लेंगे, जो उसके स्पेक्टिकल्स हैं उसको आउटलाइनिंग कर देंगे, वो थोड़े राउंड शेप के होंगे, ठीक है, और वो आईब्रो से चिपक रहे होंगे उसके, ठीक है, आउटलाइन कर लेंगे उसको। उसको आउटलाइन कर देंगे, फिर हम आउटलाइन करेंगे हमारे आईब्रोज को। ओके, ध्यान से आउटलाइन करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए वरना ड्राइंग में परफेक्शन नहीं दिखेगा। थोड़े से बाल जैसे कुछ बना देंगे, फिर दूसरा आईज में उसका पहले आईबॉल कर देंगे, फिर उसके आईज को कर देंगे, ठीक है। तो उसके आईबॉल को कर देंगे, तब उसके सेकेंड फ्रेम का आउटलाइन करेंगे, जो सेकेंड फ्रेम है चश्मे का फ्रेम, उसको आउटलाइन कर देंगे। उसके दोनों पार्ट्स आउटलाइन कर देंगे, यस। अब आईब्रो को थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ा है ताकि आईब्रो को हम कर सके, और हम आईब्रो को आउटलाइन करेंगे। सेकेंड आईब्रो है, उसको भी हम आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। सेकेंड आईब्रो को भी हम आउटलाइन कर चुके हैं, तो अब हम जो फ्रेम को जोड़ने वाला है उसको आउटलाइन करेंगे। अब हम आएंगे नाक के ऊपर, अब हम स्केच करेंगे नाक। तो फिर नाक की आउटलाइनिंग कर लेंगे थोड़ी सी। ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, हमें नोस्ट्रल्स जो होती हैं मतलब थोड़ी लाइट थोड़ी डार्क, लेकिन डार्क होनी चाहिए थोड़ी सी, वो अच्छा दिखेगा। और नाक के नीचे से थोड़ा सा स्केच कर देना शेड देने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम शेड कर देंगे नाक के नीचे ताकि वो थोड़ा रियलिस्टिक दिखे। ओके, अब हम लिप्स की आउटलाइनिंग कर लेंगे। और सुनिए, ये जो मैं आउटलाइनिंग कर रहा हूँ ये मैं 8B पेंसिल से यूज़ कर रहा हूँ, और जो मैंने स्केच ट्यूटोरियल बनाया है वो मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर जो अभी फेस की शेडिंग होगी उसमें आप ध्यान से देखिएगा, मैं HB पेंसिल यूज़ करूँगा। ओके, हमारी लिप्स की आउटलाइनिंग हो चुकी है, ठीक है, उसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी तो मैं उसको इरेज करके वापस से करेक्ट करूँगा। तो फेस आउटलाइनिंग होगी, चिन को थोड़ा सा फ्लैट रखना है। ओके, और फेस की आउटलाइनिंग कर देनी है हमें, ठीक है, फेस की हो चुकी है, हेयर की और कपड़े की बस बाकी है। ओके, थोड़ा सा ऊपर तक। अब थोड़े से बाल के ट्यूटोरियल को हम लोग डार्क कर देंगे, थोड़ा सा शेड करेंगे बाल के ट्यूटोरियल है उनको। थोड़ा सा है हम कर देंगे, पूरे बाल को इसी टाइम नहीं करना, उससे हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा जब हम बाल को आउटलाइन कर लेंगे। अब हम बाल को भी आउटलाइन कर लिया है। ओके, एक बार बचा है, हम बाल को भी आउटलाइन कर लिए, ठीक है। अब हम आएंगे कपड़े पर, ये कपड़े का पहले हम कॉलर करेंगे फिर टाई को आउटलाइन करेंगे। ओके, हम बाकी के कपड़े को आउटलाइन कर देंगे। ओके, अब हम बाल को शेडिंग देंगे, छोटे छोटे लाइन के स्ट्रोक्स बनाने हैं, थोड़े थोड़े, ठीक है, ऊपर की तरफ लाइन के स्ट्रोक्स जाने चाहिए, लेकिन एकदम लाइट हैंड से, ये ज़रूरी है हैंड लाइट होना चाहिए, हैंड अगर टाइट हुआ ना तो स्केचिंग में ना मज़ा नहीं आएगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो
तो हैंड को हमें लाइट रख के करना है, ठीक है। ये सब एच बी पेंसिल से कर रहा हूँ मैं। जब एच बी पेंसिल का यूज़ होगा तब मैं आपको बता दूंगा एकदम लाइट स्ट्रोक्स। और ये ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन पे आपने ट्यूटोरियल बनाया उसी डायरेक्शन पे करना है, ठीक है। जैसे आपने थोड़े राइट साइड पे बनाया है वो बाल ट्यूटोरियल, तो आपको उसी साइड करना है, ठीक है। कर लेंगे पूरे बाल को हम कर लेंगे ऐसे ही। देखिए ध्यान, देखिए कि ध्यान से देखिए कि मैंने जैसे कि राइट साइड बनाया तो राइट साइड में ट्यूटोरियल करूँगा, उस साइड मैंने लेफ्ट बनाया तो मैं लेफ्ट साइड ट्यूटोरियल करूँगा, ओके। और बाकी के पार्ट को भी वैसे ही कर देना है एकदम लाइट हैंड से, ओके। लाइट हैंड से बाल का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम एच बी पेंसिल का यूज़ किया, देखिए मैंने एच बी पेंसिल का यूज़ किया फेस स्केचिंग के लिए। पहले हम ईयर्स बना देंगे, ईयर्स थोड़े से, ईयर्स में थोड़ी सी शेड डाल देंगे, ईयर्स थोड़ा ईयर बना दिए। अब हम एच बी पेंसिल से फेस के थोड़े थोड़े पार्ट्स को शेड करेंगे, पूरे पार्ट को नहीं, थोड़े थोड़े पार्ट्स को, ताकि वो थोड़ा रियलिस्टिक दिखे, ओके। थोड़े से पार्ट्स को हम शेड कर देंगे, लिप्स में थोड़ी सी शेडिंग डाल देंगे। फिर हम आएंगे उस पर आईब्रोज पर, फिर जब हम दोनों आईब्रोज को शेडिंग दे देंगे लाइट हैंड से, ओके। लाइट हैंड से जब आईब्रोज को शेड दे देंगे, ओके, पहले दे देंगे। अब हम करेंगे कॉलर अपना, कॉलर को शेड करना है, ओके। सम डार्क शेड लाइट शेड ऐसे ही देना है हमें, पूरे कॉलर में ऐसे ही हमें फिल कर देना है, ओके। हमें ये स्केच फिल कर देना है पूरे कॉलर में, सॉरी कॉलर कॉलर में, पूरे कॉलर में फिल कर देना है, ओके। जो बाहर निकले हैं मिस्टेक्स को इरेज कर देना है। फिर थोड़ी सी शेडिंग दे देनी है साइड में, ठीक है, थोड़ी सी शेडिंग दे देनी है हमको साइड में, ओके। देन टाई के जो बैंड्स हैं उनमें फिल कर देना है, ओके, एकदम डार्क शेड्स फिल कर देना है उसमें और नीचे भी, ओके। सो ये था हमारा ट्यूटोरियल, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।